आशिक, मेरा जी सवाल ये है कि अगर कोई शिर्क करता है तो उसकी मजलिस में अखलाकी एतबार से सख्ती से इसलाह की जा सकती? सवाल समझ नहीं सका। अगर कोई शिर्क करता है तो उसकी मजलिस में क्या अखलाकी तौर पे सख्ती से इसलाह की जा सकती है? जी देखिए, शिर्क करना ये सबसे बड़ा गुनाह है, हम सब लोग जानते हैं, और हमारी शरीयत के अंदर गुनाह पर नकीर किया जाएगा, उसकी इस्लाह की जाएगी, जिसको कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहते हैं। और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना ये दावत का काम है, ये दावत का आला तरीन काम है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। और उससे भी आला है कि जो सबसे बड़ा गुनाह है उस पर आप नकीर कर रहे हो, तो ये गोया कि आप दावत का काम कर रहे हो। और दावत के सिलसिले में हिदायत है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइदतिल हसना, कि दावत का काम हिकमत के साथ करो। हिकमत का क्या मतलब है? जाहिर है दावत का के जो असालीब हैं, जो अंदाज और तरीके हैं, वो हर जगह के एतबार से आपके सामने कौन है, आप कहाँ पे हैं, किन जरूफ में आप दावत का काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों की रियायत करते हुए कि आपका के दावत का उसलूब ज्यादा कारगर और ज्यादा असर अंदाज हो, आपको इसे देखना है। इसलिए दो टोक में ये कह देना कि हर आदमी के साथ सख्त उसलूब इख्तियार करना है, ये सही नहीं है। आपको जहां पे लगता है कि वहां नर्म उसलूब काम करेगा, वहां नर्म उसलूब इख्तियार कीजिए, जहां पे सख्त उसलूब काम करेगा वहां सख्त उसलूब इख्तियार कीजिए। तो ये दावत का काम है, खालिस दावत का काम, और उसमें असालीब मुख्तलिफ हो सकते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर, कहीं पर आपने सख्ती का उसलूब इख्तियार किया है, कहीं पर आपने नरमी का उसलूब। आप देखिए, वो एक आराबी था, मस्जिद में आकर के पेशाब कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां दावत का काम किस तरह से किया? सहाबे कराम उसके ऊपर टूट पड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, क्योंकि वो एक आम आदमी था जिसको नहीं पता था, उसके साथ सख्ती वाला उसलूब काम नहीं करेगा। एक नौजवान था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है जिना करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा, मतलब उसको डांटा डपटा नहीं कि तुम इतने जो है इतना गलत काम करने के लिए मुझसे इजाजत लेने आए हो, ऐसा वैसा, या कोई सख्त उसलूब इख्तियार नहीं किया। आपने कहा कि अगर ठीक है बैठो, उसको बैठाया इत्मीनान से, वो नौजवान था। जी अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारी माँ के साथ कोई करे तो तुम क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उसने कहा नहीं। तुम्हारी खाला के साथ कैसा लगेगा? कहा नहीं। फूफी के साथ कैसा लगेगा? नहीं। जो जितने सेंसेटिव रिश्ते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको गिनाया, कहा तुम्हारे इन औरतों के साथ अगर कोई जना करे तुम्हें कैसा लगेगा? उसने कहा अच्छा नहीं लगेगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसी तरह से कोई भी नहीं पसंद करेगा। बात उसकी समझ में आ गई, फिर उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की। कहने का मतलब यह है कि आपके सामने कौन है, आप किन जरूफ और किन हालात में हैं, कौन सा अंदाज ज्यादा कारगर होगा, आपको वो अंदाज इख्तियार करना है। हर जगह पर सख्ती नहीं, हर जगह पर नरमी नहीं। जहां पे सख्ती का मकाम है वहां सख्ती, जहां पर नरमी का मकाम है वहां पर नरमी।